नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सरोज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एकदम खस्ता मूली के पराठे की रेसिपी। बहुत ही बनाना आसान है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे जो एकदम फूले फूले गुब्बारे जैसे बनकर तैयार होंगे और उसकी जो फिलिंग है एकदम अंदर तक अच्छे से फैलेगी। और बनाना तो बहुत ही आसान है। मूली के पराठे का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो मूली लिया है, मैंने पहले से ही धो करके छिलका उतार लिया है और साफ कर लिया पहले से ही। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही इसे कर लिया था। अब इसे हटाते हैं साइड में। सबसे पहले इसको हम कद्दूकस करेंगे। अब कद्दूकस थोड़ा मोटे वाले से करें, ज़्यादा बारीक वाले से ना करें। तो सारे मूली को हम ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा पतले वाले से कर देंगे तो क्या होगा कि जो मूली है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगा। अब इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा मोटे वाले से ही करें। थोड़ा मोटा मोटा रहेगा तो पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर सारे मूली का कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर डाल देंगे नमक। नमक डाल के इसे छोड़ेंगे हम 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो मूली है जो एक्स्ट्रा पानी है सारा पानी छोड़ देगा। जैसे आप नमक डालेंगे मूली जो है पानी छोड़ना चालू कर देता है। ये देखिए, अब ऐसे ही छोड़ देंगे हम। चलिए, जब तक हमारा मूली जो है पानी छोड़ता है तब तक हम अपना आटा लगा लेंगे। इसे हटा दें साइड में। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, ऑयल डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, और नमक और तेल को अच्छे से मिला लेंगे आटे के साथ। ये मैंने अच्छे से तेल और नमक आटे के साथ मिला लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम नरम डो लगाएंगे। ज़्यादा हमें सख्त डो नहीं लगाना है। अगर आपने ज़्यादा टाइट आटा बना लिया तो जो पराठे हैं फटने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, आपका जो ये डो है एकदम नरम होना चाहिए, जब आप बेलें तो ये फटे ना। अगर आपने इसे ज़्यादा टाइट बेला तो पराठे फटने लगेंगे, फीलिंग बाहर आने लगेंगी। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छे से गूदेंगे, एकदम नरम डो लगाएंगे। अभी मेरा आटा जो है अच्छे से गूदा नहीं है, तो इसे मैं अच्छे से तब तक गूदूंगी जब तक कि आटे में अच्छी लचक ना आ जाए। अब नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाकर आटे को हम अच्छे से गूद लेंगे। ये देखिए, आटा जो है कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब देखें, ज़्यादा लगा सकते हैं। देखिए कितना नरम आटा बनकर तैयार हो गया है। इसे छेड़ रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के रेस्ट पर। तो तब तक देखिए हमारा जो मूली है तैयार हो चुका है, सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उस पर छन्नी रखेंगे, और एक आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, साफ कपड़ा घर में जो भी है। मैंने अब रुमाल लिया है। इसमें डाल के अपने सारा मूली जो मैंने कद्दूकस करके रखा था, अब चारों तरफ से पकड़ के इसका हम जो एक्स्ट्रा पानी है निचोड़ करके निकाल लेंगे। ये देखिए, नमक की वजह से सारा मूली जो है पानी छोड़ दिया है। अब इसको निचोड़ते हुए हम अच्छे से सारा पानी निकाल लेंगे। आपसे जितना हो सके आप पानी निचोड़ लें। यहाँ पे देखिए मैंने सारा पानी निकाल दिया है। देखिए, उसको साइड में रखेंगे। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मूली जो है अच्छे से सारा पानी निकल चुका है। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में यहाँ पर थोड़ा सा जीरा लिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठे में। थोड़ा सा अजवाइन लेंगे और इसको हाथों के बीच क्रश करके डालेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है मूली में आ जाए। ये भी डाल देंगे अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है। ज़्यादा आप दरदरा मत पीसिएगा, वरना फिलिंग फटने लगेंगी पराठे बनाते हुए वक्त। हरा धनिया यहीं पर डाल देंगे। यहीं पर लेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आमचूर पाउडर। आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। ये भी डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप नमक ध्यान में रख के डालें, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है मूली में,
और आटे में भी हमने नमक डाला है तो उस हिसाब से आप बहुत ही कम नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि मूली में भी पहले से ही नमक है और आटे में भी है। अब सारे जो कच्चे से मिला लेंगे तो हमारी फिलिंग जो है यह बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे निकालेंगे प्लेट में। हमारे यहाँ जो मूली की फिलिंग है बन के तैयार है, अब इसे साइड में रखते हैं। हमारा आटा भी सेट हो चुका है, उसे देख लेंगे। ये देखिए आटा जो है अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे और चकला और बेलन लेंगे पराठे बनाने के लिए। अब छोटी छोटी हम लोई सबसे पहले काट के तैयार कर लेंगे इस तरह से। ऐसे इस सारे लोई हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको थोड़े बड़े पराठे बनाने हैं तो आप थोड़ा बड़ा लोई बनाएं। मैं मीडियम साइज के पराठे बनाऊंगी। अब एक लोई लेंगे और इसको बीच से हम घुमाते हुए कटोरी का शेप देंगे। जो नीचे का एरिया है उसे हम मोटा ही रखेंगे और ऊपर पतला करेंगे। नीचे मोटा रखने से क्या होगा कि जो पराठे हैं आपके फटेंगे नहीं, अच्छे से मिल जाएंगे। और इसमें हम डाल देंगे अपना मूली का फिलिंग। यहाँ पर डाल दिया है फिलिंग, इसको अंदर दबाते हुए हम नीचे से ऊपर करेंगे और राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। बहुत आसानी से ये एक साथ जुट जाते हैं। अब ये देखिए ऊपर घुमाते हुए इसको हम दबा देंगे अंदर की तरफ और सूखा आटा लगा लेंगे। सबसे पहले इसको हम फैला लेंगे मूली को, ताकि इसका जो फिलिंग है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और बेलते टाइम पराठे फटे ना। तब जितना हो सके हाथों से थोड़ा फैला ले, एकदम हल्के हाथ से इसे हम बेलन चलाएंगे। इस बात को ध्यान रखें अब ज़्यादा इसे टाइट हाथ से ना बेले, हल्के हाथ से इसको हम बेलेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पराठा जो है बेल चुका है। ज़्यादा इसे पतला मत बेलिएगा, थोड़ा मोटा ही पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए अगर आपके पराठे फट भी गए तो कोई बात नहीं, फूलेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। फटे तो घबराने की बात नहीं है, अगर आपके पराठे फट भी गए तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको एक बार दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ, अगर आप उस तरह से नहीं बना सकते पराठे तो इस तरह से बना लीजिए। पहले बेल लीजिए और फिर इसमें फिलिंग भरकर हम सेम प्रोसेस से ऊपर की साइड से हम बिटोर लेंगे। इसको सूखा आटा लगाकर फिर से हम फैला लेंगे जिसकी फिलिंग है चारों तरफ। ये देखिए मैंने फैला लिया है, अब हल्के हाथ से इसको भी बेल लेंगे। सूखा आटा लगाकर हम बेलेंगे इसे। ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा पराठा भी बेल लिया है। सेम प्रोसेस हम अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तीन पराठे बनाए हैं। चलिए अब देखते हैं, तवा भी गर्म है, मैंने पहले ही रख दिया था गैस पे। इस पर डालेंगे अपने एक पराठे, एक साइड अच्छे से सिकने देंगे। जैसे हमने पराठे जो है एक साइड सिक जाएंगे हम इसे उलट देंगे, हल्का सिकना है। ये देखिए अब एक साइड से अच्छे से पकने देंगे, नीचे की साइड से। देखिए नीचे की साइड से सिक चुका है। अब इस पर क्या करेंगे, ऊपर हम घी या तेल लगा लेंगे। मैं घी लगा रही हूँ, आप तेल भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पराठे फटे हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए फिर भी पराठे बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। अब ऊपर की साइड भी हम घी लगा लेंगे, चम्मच से थोड़ा सा हल्का दबाएंगे। ये देखिए पराठे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। ये देखिए हमारे पराठे जो है, वैसे तो आप पराठे में तेल भी लगा सकते हैं, पर घी लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी से जो है पराठे का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह हमारा जो है एक पराठा सिक चुका है।
दोनों साइड से रोटी पराठे से हम सेक लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा जो है तैयार हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार करेंगे। एक साइड सिकने के बाद पलट लेंगे, जैसे एक साइड सिक जाएगा हम दूसरे साइड घी लगा लेंगे। इसे पलट देंगे, ऊपर भी घी लगाएंगे। जैसे कि आपने देखा पराठे फटे थे फिर भी कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं पराठे खाने में। और जो हमारे पराठे फटे हुए हैं उससे क्या होता है कि आपका पराठा जो है बहुत ही क्रिस्पी होता है, अच्छे से सिक जाते हैं, फीलिंग जो है अंदर तक अच्छे से पक जाती है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। आप इसे थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेके, ऐसे ही दोनों साइड से पराठों को सेक लेंगे। इसमें हमारे यहाँ पर दूसरा पराठा भी तैयार है, निकाल लेंगे प्लेट में। तैयार है हमारे यहाँ पे मूली का बहुत ही टेस्टी पराठा। आपको मैं एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी फीलिंग दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ फीलिंग फैली है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। जैसे कि आपने रेसिपी में देखा बनाना कितना आसान है, मैं आलू के पराठे की रेसिपी और गोभी के पराठे की रेसिपी भी अपने चैनल पर दी हुई है, आप जाके एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, इंजॉय कीजिए मूली के पराठे। एक इस सर्दी आप इस मूली के पराठे को जरूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में घंटी का बटन दबाते जाएं ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।